वेलकम टू अकॉर्डिंग विद क्लिक्स डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोदम्स के इस कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे इन्जर्शन इन डबल लिंक्ड लिस्ट कि अगर हमने डबल लिंक्ड लिस्ट के स्टार्ट में किसी नोट को इन्जर्ट करना है तो कैसे करेंगे अगर एंड में किसी नोट को इन्जर्ट करना है तो कैसे करेंगे और अगर हमने किसी स्पेसिफिक पोजिशन पर नोट को इन्जर्ट करना है तो कैसे करेंगे तो अगर आप डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एलगुरिदम्स का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डबल लिंक्ड लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें उस वीडियो को लिंक ऊपर आई बटन में है अब अगर हमने डबल लिंक्ड लिस्ट में किसी भी न्यू नोट को इंसर्ट करना है तो इसकी तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इन्जर्शन एट द बिगनिंग इन्जर्शन एट द एंड और इन्जर्शन एट एनी स्पेसिफिक पोजिशन तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्जर्शन एट द बिगनिंग को कि अगर हमने डबल लिंक्ड लिस्ट के स्टार्ट में किसी भी न्यू नोट को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे अब डबल लिंक लिस्ट के स्टार्ट में नोड इंसर्ट करने के लिए सेम वही कोड है जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डबल लिंक लिस्ट में किसी भी न्यू नोड को इंसर्ट करने के लिए तो प्रीवियस वीडियो में हमने डबल लिंक लिस्ट में नोड्स इंसर्ट करने के लिए ये इंसर्ट फंक्शन क्रिएट किया था और मैंने आपको कहा था कि जब भी हमने डबल लिंक लिस्ट में कोई न्यू नोड इंसर्ट करनी होगी तो सिंपली हम इस इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और वो वैल्यू पास करेंगे जो कि नोड में हमने इंसर्ट करनी है और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम डबल लिंकड लिस्ट में कोई न्यू नोड इन्जर्ट करेंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट वो न्यू नोड डबल लिंक्ड लिस्ट के स्टार्ट में ही इन्जर्ट होगी तो अभी इस डबल लिंक्ड लिस्ट में थ्री नोड्स हैं अब अगर हमने इस डबल लिंकड लिस्ट के स्टार्ट में किसी न्यू नोड को इन्जर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सिंपली इस इन्जर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे और वो वैल्यू पास करेंगे जो कि हमने डबल लिंकड लिस्ट में इन्जर्ट करनी है तो ये नोड वन डबल लिंक्ड लिस्ट के स्टार्ट में इन्जर्ट होगी अब अगर हम प्रोग्राम को सेव करने के बाद रन करें तो आप देख सकते हैं कि नोड वन डबल लिंकड लिस्ट के स्टार्ट में इन्जर्ट हुई है इट मीन्स कि डबल लिंक्ड लिस्ट के स्टार्ट में किसी भी नोड को इन्जर्ट करने के लिए सेम वही कोड है जो कि हम एंटर करते हैं डबल लिंक्ड लिस्ट में किसी भी न्यू नोड को इन्जर्ट करने के लिए अब ये कोड किस तरह से वर्क कर रहा है इसको ऑलरेडी बड़ी डिटेल से हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए अब अगेन मैं इस कोड को यहाँ रिपीट नहीं करूँगी तो नेक्स्ट अब देखते हैं इन्जर्शन एट द एंड कि अगर हमने डबल लिंक्ड लिस्ट के एंड में किसी भी नोट को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे अब अगर हमने डबल लिंक्ड लिस्ट के एंड में नोट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एंटर करते हैं फंक्शन की रिटर्न टाइप अब यहाँ पे फंक्शन की रिटर्न टाइप में मैंने वॉइड एंटर किया है क्योंकि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा जस्ट डबल लिंक्ड लिस्ट के एंड में नोट को इंसर्ट करेगा इसके बाद एंटर करते हैं फंक्शन का नेम तो फंक्शन का नेम इंसर्ट एट एंड रख लेते हैं दैन पैरेंथीसिस में एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इन टेन तो इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू असाइन होगी सन वेरिएबल को अब यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमने डबल लिंक्ड लिस्ट के एंड में नोड को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले तो एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे ना देन उस न्यू नोड को डबल लिंक्ड लिस्ट के एंड में इंसर्ट करेंगे तो न्यू नोड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एंटर करेंगे न्यू कीवर्ड और नोड का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि एक नोड में क्या होगा डाटा वेरिएबल जो कि स्टोर करेगा डाटा एलिमेंट को नेक्स्ट पॉइंटर जो कि स्टोर करेगा नेक्स्ट नोड के मेमोरी एड्रेस को और प्रीवियस पॉइंटर जो कि स्टोर करेगा प्रीवियस नोड के मेमोरी एड्रेस को तो यहाँ पे एंटर करेंगे स्ट्रक्चर का नेम दैट इज़ नोड तो जैसे ही हम न्यू कीवर्ड और स्ट्रक्चर का नेम एंटर करेंगे तो एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगी अब ये जो न्यू नोड हमने क्रिएट की है इस न्यू नोड को पॉइंट करने के लिए यहाँ पे हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए एंटर करते हैं स्टेरिसिक ऑपरेटर पॉइंटर का नेम पॉइंटर का नेम न्यू नोड ही रख लेते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं पॉइंटर की डेटा टाइप की पॉइंटर किस टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा अब ये पॉइंटर भी क्योंकि एक नोड को ही पॉइंट करेगा और नोड का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है तो यहाँ पर डेटा टाइप में सिंपली एंटर करेंगे स्ट्रक्चर का नेम दैट इज़ नोड तो अब ये न्यू नोट पॉइंटर पॉइंट करेगा इस न्यूली क्रिएटेड नोट को अब न्यू नोट तो हमने क्रिएट कर दी नेक्स्ट अब इस न्यू नोट के डाटा वेरिएबल को हम एक्सेस करेंगे इस न्यू नोट पॉइंटर को यूज़ करते हुए न्यू नोट एरो ऑपरेटर डाटा और इस डाटा वेरिएबल को असाइन करेंगे एन की वैल्यू कैन वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू असाइन हो जाएगी इस डाटा वेरिएबल को इसके बाद इस न्यू नोट के नेक्स्ट वेरिएबल को एक्सेस करेंगे और इनिशलाइज़ करेंगे नल से देन प्रीवियस पॉइंटर को एक्सेस करेंगे और प्रीवियस पॉइंटर को भी इनिशियलाइज़ करेंगे नल से तो न्यू नोट तो हमने क्रिएट कर दी और न्यू नोट के डाटा वेरिएबल नेक्स्ट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर को वैल्यू भी असाइन कर दी नेक्स्ट अब हमने इस न्यू नोट को इंसर्ट करना है इस डबल लिंक्ड लिस्ट के एंड में अब अपनी तरफ से तो हम इस न्यू नोट को डबल लिंक्ड लिस्ट के एंड में इंसर्ट कर रहे हैं लेकिन आगे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हो सकता है कि डबल लिंक्ड लिस्ट में पहले से कोई नोट हो ही ना यानी डबल लिंक्ड लिस्ट एम हो तो अगर डबल लिंक्ड लिस्ट एम है इसमें पहले से कोई नोड नहीं है तो इट मीन्स कि न्यू नोड जो हम डबल लिंक्ड लिस्ट के एंड में इंसर्ट कर रहे हैं डबल लिंक्ड लिस्ट की फर्स्ट नोड भी यही नोड होगी और लास्ट नोड भी यही नोड होगी तो ये चेक करने के लिए है कि क्या डबल लिंक्ड लिस्ट पहले से एम तो नहीं है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इफ एल स्टेटमेंट का इफ़ हेड इक्वल टू नल कि अगर हेड पॉइंटर की वैल्यू नल के इक्वल टू है तो इट मीन्स की डबल लिंकडले स्टैम्पटी है इसमें पहले से कोई नोड नहीं है क्योंकि आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट में जब डबल लिंकडले स्टैम्पिटी थी इसमें कोई नोड नहीं थी तो हमने हेड पॉइंटर को इनिशलाइज किया था नल से क्योंकि जब डबल लिंकलेस टेम्पटी होती है तो हेड पॉइंटर की वैल्यू नल होती है तो अगर ये कंडीशन ट्रू है इफ़ हेड इक्वल टू नल इट मीन्स के डबल लिंकडले स्टैम्पिटी है तो अगर डबल लिंक्ड लिस्ट एमपटी है इट मीन्स कि ये जो न्यू नोड हम डबल लिंक्ड लिस्ट के एंड में इंसर्ट कर रहे हैं डबल लिंक्ड लिस्ट की फर्स्ट नोड भी यही है और लास्ट नोड भी यही है तो अगर फर्स्ट नोड भी यही नोड है तो फिर हम हेड पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट करेंगे न्यू नोड से क्योंकि आपको पता है कि हेड पॉइंटर पॉइंट करता है डबल लिंक्ड लिस्ट की फर्स्ट नोड को तो अगर डबल लिंक्ड लिस्ट की फर्स्ट नोड भी यही नोड है तो इट मीन्स कि हेड पॉइंटर पॉइंट करेगा इस न्यूली क्रिएटेड नोड को अब इस न्यू नोट का मेमोरी एड्रेस क्योंकि स्टोर है न्यू नोट पॉइंटर में तो इसलिए ये हेड पॉइंटर को हमने इनिशियलाइज किया है इस न्यू नोट पॉइंटर से लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है इफ़ हेड इक्वल टू नल तो इट मींस कि डबल लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी नहीं है इसमें ऑलरेडी नोड्स हैं तो फिर हमें इस न्यू नोट को डबल लिंक्ड लिस्ट की जो लास्ट नोड है उस लास्ट नोड से लिंक करना होगा यानी इस न्यू नोट को डबल लिंक्ड लिस्ट के लास्ट में इंसर्ट करना होगा क्योंकि उस लास्ट नोट से लिंक करने के बाद ही ये न्यू नोट डबल लिंक्ड लिस्ट की लास्ट नोट बनेगी और पहले से जो लास्ट नोट थी वो सेकंड लास्ट नोट बन जाएगी तो अगर हमने इस न्यू नोट को डबल लिंक्ड लिस्ट की लास्ट नोट से लिंक करना है तो सबसे पहले तो हमें उस लास्ट नोट को एक्सेस करना होगा तो लास्ट नोट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टम्प्रेरी पॉइंटर का तो यहाँ पे एक टैम्प पॉइंटर क्रिएट करेंगे अब पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए एंटर करते हैं स्टेरिसिक ऑपरेटर पॉइंटर का नेम पॉइंटर का नेम टेम्प रख लेते हैं और पॉइंटर की डाटा टाइप में एंटर करेंगे स्ट्रक्चर का नेम दैट इज़ नोड क्योंकि ये पॉइंटर भी एक नोड को ही पॉइंट करेगा और नोड का स्ट्रक्चर यहाँ हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है इसके बाद इस टैंप पॉइंटर को इनिशलाइज़ करेंगे हेड से क्योंकि डबल लिंक्ड लिस्ट की इस लास्ट नोट को एक्सेस करने के लिए हमें डबल लिंक्ड लिस्ट की तमाम नोट्स को ट्रेवर्स करना होगा और नोट्स को ट्रेवर्स करना हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नोट से अब क्योंकि फ़र्स्ट नोट का मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है हेड पॉइंटर में इसलिए इस टैंप पॉइंटर को हमने इनिशलाइज़ किया है हेड वेरिएबल से देन नोट्स को ट्रेवर्स करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वाइल लूप का और कंडीशन एंटर करेंगे टैंप नेक्स्ट नोट इक्वल टू नल कि ये वाइल लूप तब तक रन होगा जब तक के टेम्प पॉइंटर जिस भी नोड को पॉइंट कर रहा है उस नोड के नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू नल के इक्वल टू नहीं है जैसे ही टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू नल के इक्वल टू होगी तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा देन इस वाइल लूप की बॉडी में हम टेम्प वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर देंगे और अपडेट कैसे करेंगे टेम्प नेक्स्ट से कि टेम्प पॉइंटर जिस भी नोड को पॉइंट कर रहा होगा उस नोड के नेक्स्ट वेरिएबल में जिस भी नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा वो मेमोरी एड्रेस असाइन होगा इस टेम्प पॉइंटर को तो इट मींस कि अब टेम्प पॉइंटर पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को यानी अब हम नेक्स्ट नोड पे मूव कर जाएंगे तो अब इस वाइल लूप को एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली ये वाइल लूप किस तरह से वर्क कर रहा है सबसे पहले टेम्प पॉइंटर इनिशलाइज होगा हेड से देन कंडीशन चेक होगी टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल अब ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू नल के इक्वल टू नहीं है कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस लूप की बॉडी में एंटर होगा और टेम्प वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी टेम्प नेक्स्ट से तो अभी टेम्प पॉइंटर पॉइंट कर रहा है नोड वन को और नोड वन के नेक्स्ट वेरिएबल में नोड टू का मेमोरी एड्रेस स्टोर है तो नोड टू का मेमोरी एड्रेस असाइन होगा इस टेम्प पॉइंटर को इट मीन्स कि अब टेम्प पॉइंटर पॉइंट करेगा नोड टू को अगेन ये वाइलुप रन होगा कंडीशन चेक होगी टेम्प नेक्स्ट नोट इक्वल टू नल अब ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू नल के इक्वल टू नहीं है टैम्प नेक्स्ट में नोट थ्री का मेमोरी एड्रेस हो है कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस वाइलुप की बॉडी में एंटर होगा और टेम्प वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी टेम्प नेक्स्ट से इट मीन्स कि अब टेम्प पॉइंटर पॉइंट करेगा नोट थ्री को इसके बाद अगेन वाइलुप रन होगा कंडीशन चेक होगी टेम्प नेक्स्ट नोट इक्वल टू नल तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि टेम्प नेक्स्ट की वैल्यू नल के इक्वल टू नहीं है कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस लूप की बॉडी में एंटर होगा और टेम्प वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी टैम्प नेक्स्ट से इट मीनस कि अब टैम्प पॉइंटर पॉइंट करेगा नोट फाइव को अगेन ये लूप रन होगा कंडीशन चेक होगी टैम्प नेक्स्ट नोट इक्वल टू नल तो अब ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि टैम्प नेक्स्ट की वैल्यू नल के इक्वल टू है अब टेम्प पॉइंटर पॉइंट कर रहा है नोड फाइव को और नोड फाइव के नेक्स्ट वेरिएबल में नल स्टोर है तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी प्रोग्राम का कंट्रोल इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा अब आप देखें कि हम लास्ट नोट पे पहुंच गए हैं तो लास्ट नोट को एक्सेस करने के बाद हम क्या करेंगे उस लास्ट नोट को लिंक कर देंगे इस न्यू नोट से और लिंक कैसे करेंगे कि इस लास्ट नोट के नेक्स्ट वेरिएबल में हम स्टोर करवाएंगे इस न्यू नोट के मेमोरी एड्रेस को अब क्योंकि टेम पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस लास्ट नोट को तो इस लास्ट नोट के नेक्स्ट वेरिएबल को हम एक्सेस करेंगे स्टैंप पॉइंटर को यूज़ करते हुए टेम्प एरो ऑपरेटर नेक्स्ट और इस नेक्स्ट वेरिएबल को हम इनिशियलाइज़ करेंगे न्यू नोट से इसके बाद जो ये न्यू नोड है इस न्यू नोड के प्रीवियस पॉइंटर में हम स्टोर करवाएंगे इस लास्ट नोड के मेमोरी एड्रेस को अब क्योंकि इस लास्ट नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर है स्टैंप पॉइंटर में तो इस न्यू नोड के प्रीवियस पॉइंटर को हम इनिशियलाइज़ करेंगे टेम्प से तो इस तरह से हमने इस न्यू नोट को डबल लिंक्ड लिस्ट के एंड में इन्जर्ट किया है तो डबल लिंक्ड लिस्ट के एंड में नोट इन्जर्ट करने के लिए हमने ये फंक्शन क्रिएट किया जिसमें हमने सबसे पहले एक न्यू नोट क्रिएट की न्यू नोट क्रिएट करने के बाद हमने एक न्यू नोट पॉइंटर क्रिएट किया जो कि पॉइंट करेगा इस न्यूली क्रिएटेड नोट को देन हमने इस न्यू नोट के डाटा वेरिएबल नेक्स्ट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर को वैल्यू असाइन की इसके बाद हमने चेक किया कि क्या डबल लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है अगर डबल लिंक्ड लिस्ट एम्पटी है तो हमने हेड पॉइंटर को इनिशियलाइज किया न्यू नोड से इट मीन्स कि डबल लिंक्ड लिस्ट में हम जो ये न्यू नोड इन्जर्ट कर रहे हैं डबल लिंक्ड लिस्ट की लास्ट नोड भी यही है और फर्स्ट नोड भी यही है अब अगर डबल लिंक्ड लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड है दूसरी कोई नोड नहीं है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यूज़ नल लूँगी क्योंकि दूसरी कोई नोड ही नहीं है जिसका मेमोरी एड्रेस प्रीवियस पॉइंटर या नेक्स्ट पॉइंटर में स्टोर हो इसलिए हमने सिर्फ स्टेटमेंट में प्रीवियस पॉइंटर या नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यूज़ को अपडेट नहीं किया क्योंकि स्टार्ट में ही हमने नेक्स्ट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया हुआ है नल से लेकिन अगर डबल लिंक्ड लिस्ट एम्पिटी नहीं है इसमें नोड्स हैं तो फिर हमने डबल लिंक्ड लिस्ट की लास्ट नोड को एक्सेस किया और लास्ट नोड को एक्सेस कैसे किया डबल लिंक्ड लिस्ट की तमाम नोड्स को ट्रवर्स करके फिर जैसे ही हम लास्ट नोट पर पहुँचे तो प्रोग्राम का कंट्रोल स्टाइल लूप से बाहर आ गया <notorized tip> और फिर लास्ट नोट पर पहुँचने के बाद हमने उस लास्ट नोट को लिंक कर दिया इस न्यू नोट से और लिंक इस तरह से किया कि उस लास्ट नोट के नेक्स्ट वेरिएबल में हमने स्टोर करवा दिया इस न्यू नोट के मेमोरी एड्रेस को और उस न्यू नोट के प्रीवियस पॉइंटर में हमने स्टोर करवा दिया उस लास्ट नोट के मेमोरी एड्रेस को तो ये न्यू नोट डबल लिंक्ड लिस्ट की लास्ट नोट बन गई और वो लास्ट नोट डबल लिंक्ड लिस्ट की सेकंड लास्ट नोट बन गई तो फंक्शन को क्रिएट तो कर लिया है नेक्स्ट अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन में फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली एंटर करते हैं फंक्शन का नेम इन्जर्ट एट एंड और वो वैल्यू पास करेंगे जो कि हमने नोट में इन्जर्ट करनी है अब अगर हम प्रोग्राम को सेव करने के बाद रन करें तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ है डाटा एलिमेंट्स इन अ डबल लिंक्ड लिस्ट आर और आप देख सकते हैं कि एलिमेंट सिक्स इस डबल लिंक्ड लिस्ट के लास्ट में इंजल्ट हुआ है